नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार। सीतापुर में खबर से रूबरू कराऊंगा। आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव ग्राम करसा में मनाया गया। सभी रेसा क्षेत्र के मौलाना इकराम एक जगह एकत्रित होकर और आज़ादी के देश के ऊपर नातुखानी पड़ी गई और जनमानस को जागरूक किया गया। ये रेसा क्षेत्र की तस्वीर ग्राम करसा मदरसे की है, जहां पे सभी मौलाना हजरत एकत्रित हुए। माशाल्लाह, पड़ताव देखेगा पूरी टीम, भाई अंकांग है, पूरी टीम सामने आ जाए ताकि मैं रूबरू हो सकूं, उनका खूबसूरत चेहरा देख सकूं। आ जाइए इधर। भारत पर जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, उंगलियां उठा
वाले जनाब पप्पू साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर, आज हवाएं इतनी तेज है, इतना खुशनुमा मंजर है, मैं चाहता हूँ पूरा दिन पढ़ता ही रहूँ। बहरहाल पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करे, देखिएगा दोबारा इशारा कि मोहब्बत उनके दिलों चार चांद लग जाएंगे। ये अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। फैलो उन्होंने भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके हवाले से चार उसे हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, और यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम है न सिख ईसाई, यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम है न सिख ईसाई, ये वो मंच है जिसमें पूरा हिंदुस्तान मिलता है, यहाँ से चार में से हाजिर करता हूँ। देखिए कि धड़कनों तुम ही कहो वक्त कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो वक्त कैसा होगा, और सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, सामने आंखों के जब अपनी मोहब्बतों से अपने प्यार से हमें जो है नवाजा। बहरहाल देखिएगा मुस्लिम भाई, आप भी खुसूसी तवज्जो का ताली पढ़ता हूँ, बतौरे खास मिलाजा करें। चार में से और हाजिर करता हूँ बतौरे खास मिला।